अध्याय एक। जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवनीय जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों, जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिकाओं में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीवन तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव क्या है? जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करने का, यह सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम सब इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों को बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव को आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं, हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे यह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है।
प्राणी वर्गविद ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपाद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होती है और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तीसरा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। चौथा, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण यह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारा मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। आप यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी
तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण पहचान, अभिज्ञान वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्ग की वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहता है। अध्ययन के इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टमेटा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमेटा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होता है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गिक टैक्सान कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, जिसमें एक समान गुण जैसे तीन जोड़ी संधिपाद होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणीय सुस्पष्ट जीव है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए एक मूलतः आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीसीज जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकारकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम पिरोसम आलू तथा पेंथ्रा लियोसेर के लिए उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहला शब्द मैजीफेरा सोलेनम तथा पेंथ्रा वंश के नाम है और यह
टेक्सा अर्थात संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, जो विभिन्न जीवों जिनमें अकारकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणतः पेंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसमें टिग्रीस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम मेलेंजेना भी आते हैं। मानव की जाति सीपियंस हैं जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव को वैज्ञानिक नाम होमो सीपियंस है। वंश जीन्स वंश के संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समानता होती है। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर पेंथरा लियो, चिता पेंथरा पार्डस तथा पेंथरा टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, ये सभी पेंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। कुल अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधे में तीन विभिन्न वंश सोलेनम पिटूनिया तथा धतूरा को सेलोनिस कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पेंथरा, जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। गण ऑर्डर आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्च स्तर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुल के समूह होते हैं के कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे वो वियोलेसी सोलेनेसी को पोलिसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरस गण में फिलिडी तथा कैनेडी कुलों में रखा गया है। वर्ग क्लास इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण, जिसमें बंदर गोरिल्ला तथा गिबनान आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली उभयचर सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्च स्तर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों में जैसे पृष्ठरज्जु नोट कार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधे में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्च स्तर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जगत किंगडम जंतु के वर्गीकरण तंत्र में विभिन्न संघों की सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों में सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें कि इन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। यह संवर्ग है। यद्यपि
वर्गीकी ज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए, जैसे जैसे हम स्पीसीज में जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्च स्तर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। वर्गीकी सहायता साधन। जीवन की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करके आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। इसका उपयोग जीवन के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचयन करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है, जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उनके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। संग्रहालय म्यूजियम। वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षिक स्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर तारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासी जीव प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार प्रकृति अथवा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहां तक संभव होता है, प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं।
कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों युग्म जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गी की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता कराते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थान के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है।